आई थिंक इट्स ए माइल स्टोन. मतलब जब ये शो हमने शुरू किया था तो एक बहुत ही लेट टाइम स्लॉट था, बट उस टाइम स्लॉट पे भी इस शो ने कमाल किया था. एंड आई थिंक सबसे बड़ा क्रेडिट मैं दूंगा ऑडियंस को कि लगातार देव लव द शो, दे वॉच द शो एंड देव जस्ट एनकरेज अस टू कीप गोइंग ऑन एंड ऑन. मेरी क्यों, बहुतों की हुई यार. दिव्यांग ऑल्सो गॉट मैड ऑन द शो एंड मतलब हाँ इस शो ने, इस शो ने बहुत कुछ दिया है लोगों को. घर बंगला गाड़ी के साथ साथ पति पत्नी भी दे दिए शो ने. तो हाँ आई थिंक वी हैव टू बी हम्बल. मतलब अगर इतनी बड़ी कॉम्प्लीमेंट कोई दे सकता है हमें तो हमने कुछ तो सही किया होगा यार. ओ मेमोरीज तो बहुत हैं यार. इनफैक्ट जब शुरू किया था ये मोहब्बत तो मैं जो अभी हूँ उससे आधा था, है ना. तो सबसे बड़ी मेमोरी तो वो है. एंड बहुत से ऐसे सीन्स हैं बिकॉज हर साल जो होली सेलिब्रेट करते थे हम, एंड एवरी ईयर यूज टू बी अ न्यू ड्रामा. होली के पे खास तौर के ड्रामा आता था तो वो एक अलग मेमोरी है. एंड अगर आप देखोगे फ्लैशबैक्स आप भी देखोगे तो जब हम शुरू करें, हमने जब शुरू किया था और अब के चेहरों में इतना फ़र्क है कि आपको वाकई लगता है कि एक एक, एक बड़ा जनरेशन खत्म हो चुका है मतलब शो का. फेवरेट मतलब क्या बताऊँ, देयर इज नो वन पर्टिकुलर एपिसोड विच इज़ फेवरेट, बट आई थिंक जितनी बार भी हमारे घर में भल्ला हाउस में शादी या कोई फंक्शन होता है जब पूरा परिवार एक साथ आता है, आई थिंक दैट्स द मोस्ट मेमोरेबल टाइम टू शो. या आई थिंक बड़ी वाली बहुत शरारती है, छोटी वाली बड़ी वाली से ज़्यादा मैच्योर रखती है आजकल. बिकॉज यू नो किड्स ग्रो अप वेरी फास्ट एंड बोथ ऑफ देम आर वंडरफुल एक्टर्स, वंडरफुल किड्स, बट आई थिंक मस्ती दोनों अपनी अपनी जगह कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी. कास्ट इज आउट स्टैंडिंग. 1500 एपिसोड ऐसे थोड़ी चल गए यार. कास्ट हैज़ टू बी आउट स्टैंडिंग एंड द केमिस्ट्री हैज़ बी आउट स्टैंडिंग एंड मोर देन द कास्ट इज बिकम अ फैमिली नाउ. सो आई थिंक आई वुड रादर एड्रेस इज इट एज अ वाईएचएम फैमिली देन अ वाईएचएम कास्ट. अरे स्वैग से क्या स्वागत है. हर छः महीने में तो ये होता है शादी, तो हर छः महीने में शो में करता है, ये ढोल तो बजते ही हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.